चिंचोली नगर में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा बहन प्रियंका रेड्डी के समर्थन में किया गया कैंडल मार्च, जिसमें कि सभी में एक जोश दिखा। उनके समर्थन में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहन प्रियंका रेड्डी के साथ हुई बर्बरता, साथ ही उनकी हत्या के विरोध में जोश दिखा। जय श्री राम आज हिंदू जागरण मंच हरिगढ़ के द्वारा अतरौली में हैदराबाद में बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में पैदल मार्च निकालकर इस घटना का विरोध करते हुए दरिंदों को फांसी की सजा की मांग की है एवं बहन की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालकर आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर वीरांगना वाहिनी प्रदेश उपाध्यक्ष मधु राजपूत, जिला महामंत्री लतेश राजपूत जी, डॉक्टर दिनेश जी इकाई मंत्री अतरौली, विमल खिलाड़ी जी, दिनेश माहौर जी, मुकेश जी, गोपाल जी, नीरज जी, अरविंद जी, विपिन जी, अर्चना जी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपकी अपनी मधु राजपूत प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी ब्रज प्रांत उपस्थित रही। होती है ना, अपने परिवार की काफी जिम्मेदारियां उठा लेती है। बहुत होती है ना, लड़कियों इतना करती है कि जिनके घर में माँ पिता नहीं होता और भाई नहीं होता, उस परिवार की जिम्मेदारी एक बेटी लेती है। तो मेरी प्रार्थना से काफी से ये गुजारी से जो लड़कियों की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आज लड़कियाँ ये बात कहते हैं अपने मन में एकदम डर हो जाए कि कौन से खड़ी हो रहे हैं कि यार हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है। क्यों हम दरिंदों के साथ ऐसा नहीं होता कि हम कितना चला देते हैं? ये कौन सा क्या तरीका है यार? दो महीने शांत होता है कि आज ढाई महीने के साथ, आज दो महीने के साथ। यार एक तरह से प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है ना, ये भगवान थी, डॉक्टर थी, जो दूसरों की जीवन को बचाती थी, आज उसके साथ इतना घिनौना और इतना दर्द ना वो हुआ है ना कि सुनते ही घंटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी शासन से या प्रशासन से ये गुजारी थे कि लड़कियों की सेफ्टी बढ़ाई जाए, और जगह जगह जो लड़के खड़े रहते हैं ना उनको मना करा जाए कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, क्या बड़ी बानी है क्यों खड़े हो, अगर ये चीजें हो जाएंगी ना तो शायद थोड़ा बहुत ये चीजें। कैंडल मार्च निकाला है, किस उपलक्ष्य में निकाला है? आज हिंदू जागरण मंच द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। प्रियंका रेड्डी जो हैदराबाद में अपने एक्टिवा से आ रही थी, उसके बाद हथियारों ने उनको बलात्कार करने के बाद जिंदा जला दिया और जलाकर मार के वहां पर डाल दिया। इसके विरोध में हमने आज कैंडल मार्च निकाला है और हम ज्यादा से ज्यादा ये मांग करते हैं कि ऐसे हथियार को, ऐसे दरिंदों को एक भी तारीख न करने का मौका दिया जाए और उनको जो है तुरंत फांसी दी जाए। ऐसे कड़े नियम अगर बनते रहेंगे तो आगे भविष्य में इन लोगों की, ऐसे दरिंदों की ऐसी कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी जो कि प्रियंका रेड्डी के साथ हुई। इसीलिए हिंदू जागरण मंच कई दिन से इस अभियान को चला रहा है। कल भी अलीगढ़ में हुआ था और आज अतरौली में, और जब तक हत्यारों को फांसी नहीं होती जब तक हम इस आंदोलन को अपने को जारी रखेंगे। शासन प्रशासन के लिए इसमें कड़े से कड़े नियम। कैंडल मार्च निकाला है, किस उपलक्ष्य में निकाला है? अपने हैदराबाद की बहन, क्योंकि हम सभी लोगों की उसको उसके साथ रेप किया गया, प्लानिंग के तहत उसको मार दिया गया। ये उसके साथ जो भी हुआ अत्याचार है उसके समर्थन में हमने कैंडल मार्च निकाला है और हम सरकार से गुजारिश करते हैं उन सभी लोगों को जो की हत्यारे हैं फांसी दे, तुरंत एक्शन ले इस बात पे, वरना हम सभी अतरौली नगरवासी कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे जो कि खुद उनको ही समर्पित हो जाएगा, या तो सरकार समझे या फिर हम खुद समझने को तैयार है। हमने देखा भारत देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी, वीरांगना अवंतबाई जैसी, कल्पना चावला जैसी, विभिन्न प्रकार की अपने देश में लड़कियां जन्मी है, वीरांगना रही है, और हम जब उनको उनके साथ ऐसी हरकतें की जाएगी, ऐसी हरकतें होगी तो कैसे काम चलेगा? सरकार इस पर विशेष ध्यान रखे। वो एक इतनी दिग्गज सी टैलेंटेड, उनके अंदर प्रतिभा इतनी भरी हुई थी कि लगता है वो देश के लिए। निकाला है, किस उपलक्ष्य में निकाला है? ये हैदराबाद में हमारी बहन प्रियंका रेड्डी जो अपनी एक्टिवा स्कूटी से आ रही थी, उनकी गाड़ी में पंचर कर दिया। पंचर करने के बाद उनकी गाड़ी में उन्होंने अपने घर को फोन किया और उसके बाद वहाँ पर
जब तक कोई पहुंच पाता उससे पहले उनको जलाकर मार दिया गया। और जो है इसमें बलात्कार की भी पुष्टि हुई है, उसका पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज कैंडल मार्च निकाला है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही तुरंत फांसी दी जाए। सबूतों के आधार पर जो सबूत मिले हैं उन पर, उसके आधार पर तुरंत उनको फांसी दी जाए। और ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के अंतर्गत हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार को भी कड़े से कड़े कदम अपराधियों के विरुद्ध उठाने चाहिए।